हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज मैं इस समय, जैसे कि मैं पहले आपको बताया था कि मैं इन दिनों में उड़ीसा में घूम रहा हूँ, और ये उड़ीसा जो है मेरा मदर स्टेट है, और ख़ास करके अभी मैं अपने गांव पे आया हुआ हूँ। और अपने गांव में बचपन के एक छोटी सी यादें जो है मैं आपको शेयर करने चाहता हूँ। ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन अक्सर हम इस वाटरफॉल में बचपन में आते थे और यहाँ पे पिकनिक वगैरह किया करते थे, है ना। और एक छोटी सी नदी है, और इस छोटी सी नदी में हम लोग पिकनिक किया करते थे और दोस्तों के साथ। लेकिन आज हम सभी अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, जो मेरा पूरा फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो सभी आए हुए हैं। दरअसल मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस समय राजस्थान में रहता हूँ, तो और गांव आया हूँ घूमने। राजस्थान में इस तरह का पहाड़ और नदी झरना ये सब बहुत कम पाए जाते हैं, और लेकिन जब जब थोड़ा हम आते हैं और इस तरह का पहाड़ का नज़ारा को देखते हैं और नदी ये सभी को हम देखते हैं, तो मन में काफ़ी कुछ आनंद मिलता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो ईश्वर का देन है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि प्रकृति को हम छेड़छाड़ करते हैं, यानी कई सारे प्रकृति का जो असली रूप है उसको हम बिगाड़ देते हैं, जैसे पेड़ पौधों को काटना वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। मैं ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ कह करके आप लोग को बहुत ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, बल्कि मेरी जो अपनी जो अनुभव है उसका एक हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं और कोई दूसरा एक सीन में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।